एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही ना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, मतलब यू बराबर कितना? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ब्रेक लगाए जाने पर वह जी -0.5 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब ए बराबर कितना? -0.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ना, प्रति सेकेंड स्क्वायर का एक समान त्वरण उत्पन्न करती है। रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले कितनी दूरी तय करेगी? मतलब इनेगा 0 हो जाएगा, विरामावस्था का मतलब है शून्य ना, तो एस का मान ज्ञात करना है। यू का मान 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ए का मान -0.5 मीटर प्रति सेकेंड, और वी का मान विरामावस्था में कहा है अंतिम वेग कितना है? 0 है। एस का मान पूछा है। अब सबसे पहले इसके मात्रक को बराबर करो। मात्रक कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा यहां पर है और मीटर प्रति सेकेंड यहां पर है, तो पहले चेंज करो, 90 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करें। 90 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में कैसे चेंज करेंगे? 5/18, और 18 पंचे कितना होता है? 18 पंचे 90, गुणा कर दो 25 मीटर प्रति सेकेंड। का तीसरा समीकरण क्या है? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए। इसी पर सारे मान रख दो। वी का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर बराबर यू का मान 25 है तो 25 का वर्ग प्लस 2 × a का मान -0.5, और यस का मान ज्ञात करना। 0 का स्क्वायर 0 और 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 प्लस प्लस, पहले चिन्ह का गुणा करो, माइनस और प्लस कितना होता है? माइनस प्लस, माइनस होगा। 0.5 में 2 से गुणा करेंगे तो आएगा कितना होता है ना, तो 1 × s 0 = 625 माइनस एस। इसको पक्षांतर करेंगे, एस को पक्षांतर करो, एस को पक्षांतर करेंगे तो इधर आ जाएगा, हो जाएगा यस प्लस में, इधर माइनस में है तो इधर प्लस में, बराबर कितना? 625। कितना मीटर में? एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से नीचे जा रही है, तो इसमें ट्रॉली की प्रारंभिक वेग नहीं दिया गया है, तो ट्रॉली की प्रारंभिक वेग नहीं दिया गया है, तो यू बराबर क्या मान लेंगे? 0 ना, यू बराबर 0। और एक समान त्वरण से ए बराबर कितना? 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नीचे जा रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकेंड पश्चात, मतलब टी बराबर कितना? 3 सेकेंड पश्चात उसका वेग क्या होगा? प्रारंभिक वेग 0 तो वी का मान कितना हो जाएगा? पूछ रहा है कि वी का मान क्या होगा। ए का मान दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, टी का मान 3 सेकेंड, वी का मान पूछा क्या है? बी बराबर यू प्लस ए टी। वी का मान पूछा है बराबर यू का मान 0, ए का मान कितना? 2, और टी का मान 3, तो वी बराबर 0 हो जाएगा, 3 × 6, तो वी के बराबर कितना? 6 मीटर हो जाएगा। वेग पूछा है ना, 6 मीटर प्रति, वी का मान U बराबर कितना है? 0। U बराबर प्रारंभिक वेग नहीं दिया गया है, मतलब U बराबर स्क्वायर। A बराबर कितना? 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। T बराबर कितना? 10 सेकेंड। पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगा? U का मान 0, ए का मान 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, टी का मान 10 सेकेंड, और यस दूरी पूछा है, यस बराबर कितना होगा? एस बराबर क्या होता है?
हाफ ए टी स्क्वायर जाएगा ना। तो u का मान कितना दिया गया है, 0, t का मान दिया गया है 10 प्लस 1/2, a का मान दिया गया है 4 और t का मान दिया गया है 10 का स्क्वायर, यही है ना। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, 0 में से 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 गुणे 10 का वर्ग दद्दामा 100। तो यस बराबर 0 प्लस ये कितना हो जाएगा 100 गुणे 2 200, तो यस बराबर कितना 200 मीटर आंसर।